के बारे में जानेंगे। हर्बेरियम देखा जाए तो सिंपली ये प्लांट को कलेक्ट करने की एक विधि होती है, जिसमें प्लांट के पार्ट्स को सुखाकर प्रेस करके एक कागज़ की सीट पे चिपकाया जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऐसे प्लांट के पार्ट हों जो सकुलेंट हों, मतलब मोटे, जैसे नागफनी होता है ना, तो नागफनी जैसे पौधे को सुखाकर उसे एक खास तरह के लिक्विड में प्रिजर्व किया जाता है, जो कि जनरली 2 से 5% फॉर्मेल्डिहाइड का सोलूशन होता है, या ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी हो सकता है, इथिल अल्कोहल भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो हर्बेरियम होता है ये कलेक्शन ऑफ द प्लांट होता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, हर्बेरियम इज डिफाइन एज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीट। अब देखिए जो सीट होती है एक सीक्वेंस में इसको रखा जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या होता है, एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम को माना जा रहा है उसके हिसाब से इस सीट को अरेंज किया जाता है। जनरली बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से ज़्यादातर हर्बेरिया को अरेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दीज सीट्स आर अरेंज इन द सिक्वेंस ऑफ एन एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ज़्यादातर हर्बेरिया किसमें किया गया है, बेंथम एंड हुकर, मोस्ट ऑफ द हर्बेरिया अरेंज ऑन द बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CPMT में भी आ चुका है, ये एम्स में भी पूछा जा चुका है, नीट में भी पूछा गया है, और भी स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसको जरा केयरफुली याद रखिएगा, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही अपनाया जाता है। अब देखिए जो सकुलेंट प्लांट होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड इथिल अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो हर्बेरियम के लिए जो सीट यूज़ की जाती है उस सीट की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो लगभग 41 to 29 सेंटीमीटर के लगभग होती है, साइज ऑफ हर्बेरियम सीट, हर्बेरियम सीट, ठीक है। अब देखिए जो प्रिजर्वेशन करते हैं हम, जब उसको सुखा के प्लांट पार्ट को सुखा कर उसको प्रेस करते हैं, तो एक खास तरह का पॉइजनिंग किया जाता है, उस पॉइजनिंग में कोरोसिव सब्लिमेट यूज किया जाता है, कोरोसिव सब्लिमेट जिसको हम EGCl2 के नाम से जानते हैं, इसको यूज़ किया जाता है ताकि प्लांट में इंसेक्ट न लगे और दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े उस प्लांट पार्ट को खाए ना, ठीक है। क्योंकि आप जब सीड को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उसमें बहुत तरह के कीड़े मकोड़े लगने का डर रहता है, तो EGCl2 से उसकी पॉइजनिंग कर दी जाती है, ठीक है, तो इससे वो प्रिजर्व रहता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि हर्बेरिया बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। तो द हर्बेरियम टेक्निक इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, पहला कलेक्शन, दूसरा ड्राइंग, तीसरा पॉइजनिंग, पॉइजनिंग में ये SGCl2 का यूज़ किया जाता है, ठीक है, SGCl2 पॉइजनिंग मतलब टू प्रिजर्व प्लांट पार्ट फ्रॉम द इंसेक्ट। फिर चौथा स्टेप आता है माउंटिंग, फिर उसके बाद उसकी इचिंग होती है, स्टिचिंग, उसको स्टिच कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है या धागे से उसको सिल दिया जाता है, उसके बाद लेवलिंग, और लास्ट का स्टेप होता है डिपोजिशन। ये स्टेप को याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये स्टेप को पूछ देता है, डिपोजिशन, ठीक है।
तो पहला स्टेप होता है कलेक्शन, जिसमें प्लांट पार्ट को कलेक्ट किया जाता है, उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। प्लांट पार्ट में ज़्यादातर फ्लावर्स और ट्विग होते हैं। कभी भी डिजीज प्लांट को या इन्फेक्टेड ट्विग्स को कलेक्ट नहीं करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, प्लांट पार्ट की जो या फ्लावरिंग ट्विग्स की जो लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर के लगभग होना चाहिए, 3 to 40 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब आप प्लांट पार्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखाना होता है। इसे अच्छी तरह से सनलाइट में प्रेस करके सुखा दिया जाता है, ताकि उसके अंदर जो पानी हो वो बाहर निकल जाए। ठीक है, और जब पानी बाहर निकल जाएगा तो उस प्लांट पार्ट के ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉइजनिंग। पॉइजनिंग इसलिए करते हैं ताकि प्लांट पार्ट जो है वो माइक्रोब से या इंसेक्ट से बचा रहे। ठीक है, और इसमें मैंने बताया था HgCl2 का यूज़ करते हैं समान तौर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुका है क्वेश्चन। फिर उसके बाद माउंटिंग और स्टिचिंग करते हैं, माउंटिंग स्टिचिंग एंड लेबलिंग। ठीक है, माउंटिंग स्टिचिंग लेबलिंग में मतलब होता क्या कि जो ड्राइड स्पेसिमेंस होता है, जो सूखा हुआ पार्ट होता है, उसको एक सीट पर जिसकी लंबाई चौड़ाई 41 x 29 सेंटीमीटर यानी 41 x 29 सेंटीमीटर के लगभग होती है, ये इंटरनेशनल साइज है हर्बेरियम की, उस पर चिपका के रख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी डाटा होते हैं, कहाँ से उसको इकट्ठा किया गया है, कहाँ से इसको किस नाम से जाना जाता है, उसके पूरा क्लासिफिकेशन के साथ उस पर लेबलिंग कर देते हैं। और लास्ट में आता है डिपॉजिशन। ठीक है, डिपॉजिशन में अरेंजमेंट कर किया जाता है अकॉर्डिंग टू जीनस के हिसाब से, और इसमें जहाँ आमतौर से बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, लास्ट में एक काम और करते हैं कि हर 6 महीने पे DDT पाउडर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, 4 से 6 महीने पर उसके ऊपर स्प्रे करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आप हर्बेरियम को कलेक्ट करके आपने बनाया है उस पर 4-6 महीने पर हमें कुछ ना कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे DDT पाउडर वगैरह का स्प्रे करते रहना चाहिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ हर्बेरिया पे। फंक्शन में इसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है ये होता है टू एक्टिवेट आइडेंटिफिकेशन एंड अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च, अल्फा अल्फा टेक्सोनॉमिक रिसर्च। इसके अलावा ये जो होता है ढेर सारी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को, फॉर द ऑफ द कलेक्टेड प्लांट्स, जो भी प्लांट या स्पेसिमेंस कलेक्ट किए गए हैं उसके बारे में ढेर सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये जो हर्बेरिया होता है ये इसका फंक्शन ये भी होता है टू प्रिजर्व प्लांट वेल्थ इंक्लूडिंग टाइप मटेरियल एंड पैलियोबॉटनिकल कलेक्शन। यहाँ पैलियोबॉटनी का मतलब होता है फॉसिल का अध्ययन करना। ठीक है, अब हम लोग कुछ मेजर हर्बेरिया के बारे में भी जान लेते हैं जो दुनिया के इंपॉर्टेंट हर्बेरिया हैं। तो सबसे बड़ा जो हर्बेरिया है वो मेजर हर्बेरिया, जो सबसे बड़ा हर्बेरिया है वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू का है, रॉयल बॉटनिकल। यहाँ पे लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा स्पेसिमेंस रखे गए हैं। ठीक है, मोर देन 6 मिलियन से भी ज़्यादा स्पेसिमेंस यहाँ पर रखे गए हैं। दूसरा है ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यहाँ पर भी लगभग 6 बिलियन स्पेसिमेंस रखे गए हैं। तीसरे नंबर पर रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग का है, जहाँ पे लगभग 1.5 बिलियन स्पेसिमेंस हैं। इसके बाद आता है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कलकत्ता का, जहाँ पे 2 मिलियन के लगभग लगभग 20 लाख स्पेसिमेंस रखे गए हुए हैं। फिर आता है हर्बेरियम ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लगभग 3 लाख स्पेसिमेंस रखे गए हैं। उसके बाद आता है हर्बेरियम ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे लगभग 80 हज़ार के लगभग स्पेसिमेंस रखे गए हैं।